इधर देश के लिए चुनाव और लोगों की लापरवाही एक बड़ी चिंता बनी हुई है। दूसरी तरफ देखिए, वैक्सीनेशन के जरिए कोरोना को काबू करने की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन अब तीसरी वेव ने बच्चों के लिए खतरा बढ़ा दिया है। हालांकि आपको बता दें, इसको लेकर स्टडी भी सामने आ रही है। इधर सरकारों ने दावा किया है तीसरी लहर से बच्चों को नुकसान नहीं होगा, लेकिन जानकारों का मानना है कि बिना वैक्सीनेशन के बच्चे भी कोरोना के टारगेट पर हैं। ऐसे में बच्चों को महामारी से बचाने के लिए क्या हो सकते हैं उपाय? ACE2 रिसेप्टर की वजह से फर्स्ट और सेकंड वेव में कोई गंभीरता नहीं देखी गई है। मेजॉरिटी एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स के साथ ही थे और हॉस्पिटलाइजेशन या ICU केयर की भी उतनी जरूरत नहीं पड़ी है। और बच्चों के अंदर अगर हम एडल्ट पॉपुलेशन से कंपैरिजन करें तो उनमें जो कोमॉर्बिड है उनकी संख्या काफी कम है। हालांकि जो कोमॉर्बिड वाले बच्चे हैं उनको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन क्योंकि बच्चों के लिए कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अंदर भी कोई बहुत अधिक चेंज नहीं आया है, ऐसे में पेडियाट्रिक पॉपुलेशन को सेफ रखने के लिए एक तो प्रिवेंटिव वे है जिसके लिए बच्चों के आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करना होगा। इसके लिए हमें सभी पेरेंट्स और गार्जियंस को अलर्ट रहने की जरूरत हो। ICMR ने बच्चों में कोरोना वायरस के असर को समझने के लिए 8 राज्यों में एक स्टडी की, जिसमें पाया गया कि आधे से ज्यादा बच्चों को दूसरी लहर में डेल्टा वायरस ने अपना शिकार बनाया। कुल 583 सैंपल में से 512 की जीनोम सिक्वेंसिंग हुई। इनमें से 372 में वेरिएंट ऑफ कंसर्न मिले। तकरीबन 66% बच्चों के सैंपल में डेल्टा वेरिएंट मिला। 9% सैंपल में कप्पा वेरिएंट सामने आया। 7% सैंपल में अल्फा वेरिएंट की पुष्टि हुई, जबकि 5% सैंपल में बीटा वेरिएंट का असर देखने को मिला। ICMR की स्टडी में देखा गया है कि कोविड का डेल्टा वेरिएंट जो काफी प्रीडोमिनेंट वेरिएंट रहा है, जिसने बच्चों को सेकेंड वेव में काफी ज्यादा प्रभावित किया था। और ना सिर्फ डेल्टा के बल्कि स्टडी के अनुसार बच्चों में वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी मौजूद थे, कोविड के वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो ज्यादा तेजी से फैलते हैं या ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन फैला सकते हैं, जैसे अल्फा और डेल्टा वेरिएंट, उनसे भी बच्चे इन्फेक्ट हुए थे। वहीं डेटा के अनुसार 37.2% बच्चों में सिम्टम्स देखे गए थे, जिनमें ज्यादातर सिम्टम जैसे कि फीवर, कफ, रनी नोज या सोर थ्रोट, ऐसे ही सिम्टम जो कि ज्यादातर अडल्ट्स के अंदर भी थे। और जो फोर्थ सीरो सर्वे की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 50% से ज्यादा बच्चों में सीरो पॉजिटिविटी रिपोर्ट देखी गई थी।